ये मेरे पास पेंट कटिंग करने के लिए 1.25 मीटर का कटिंग है। इस कपड़े में हम पेंट कटिंग करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस कपड़े को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद इसकी सीधी साइड हमें अंदर की तरफ कर लेना है और उल्टी साइड को हम बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से दोनों कोने मिला के इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद पैंट में जो सलवटे हैं वो सारे सलवटे हम निकाल लेंगे और ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हम इसकी लंबाई से 1/2 इंच कम पर निशान लगाएंगे। 42 इंच पर निशान लगा देंगे और 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। अब लटक के लिए 31.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। ये हमारी 10.5 इंच की लटक बैठेंगी। अब सभी लाइनों को स्ट्रेट कर देंगे स्केल से। फ्रेंड, मैं पेंट के लटक किस तरीके से निकालता हूँ उसका वीडियो ऊपर आई बटन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके वो वीडियो देखकर समझ सकते हो कि लटक किस प्रकार निकालते हैं। अब हम थाइस की मार्किंग करेंगे। 1.25 इंच फ्लाई के लिए छोड़ देंगे। 1.25 इंच का फ्लाई के लिए मार्जिन छोड़ना है। थाइस है हमारी 27 इंच की, 1 इंच कम कर लेंगे। 13 इंच पर निशान लगाएंगे और सेंटर लेंगे 6.5 इंच का और बॉटम पर भी 6.5 इंच का सेंटर लगाएंगे। बॉटम हमारी 16 इंच है। सेंटर 6.5 इंच पर लगाने के बाद 4-4 इंच दोनों साइड और बॉटम और थाइस की लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और ये लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। फ्लाई के लाइन क्लियर कर देंगे, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन कर देंगे और सारे हमारे निशानों को मिलाते हुए लाइन को क्लियर कर देंगे। यहाँ से 2.5 इंच ऊपर पे एक निशान लगाएंगे। ये प्लेट के लिए निशान लगाएंगे सेंटर से 1/2 इंच अलग और उससे 2.5 से 3.5 इंच दूरी पर एक निशान। अब यहाँ से थोड़ा सा उतार देंगे 1/2 इंच का, 1/2 इंच 1/4 इंच का उतार देंगे। 2 इंच 1.25 इंच का पॉकेट के लिए निशान लगाएंगे और इसको कटिंग कर देंगे। फ्रंट इस पे से उठाने के बाद कपड़े को पलटा देंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा बचा वाला कपड़े को ऊपर कर देंगे और इसके सारे सलवटे वगैरह निकाल देंगे और कपड़े को अच्छी तरीके से प्लेन कर लेंगे। अब प्लेन करने के बाद ये फ्रंट इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से हमारे फ्रंट को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद ये हमारी लटक वाली लाइन को बढ़ा देंगे, नीचे बॉटम वाली लाइन को भी बढ़ाएंगे।
अब यहाँ से 1 इंच ऊपर निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। आधा इंच दूरी से निशान लगा देंगे। अब ये पूरी गिन के आधा आधा इंच मार्जिन छोड़कर 17.5 इंच पर इस तरीके से टेप रख के निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी 27.5 इंच ये पूरा गिन लेंगे फ्रंट, आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ देंगे और 27.5 इंच पे निशान लगा लिया। कमर है 32.5 इंच, चौथा हिस्सा और 1/2 इंच जोड़ेंगे, 1.25 इंच और 1.25 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। थाइस और बॉटम की लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। सीट पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और राउंड दे देंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारी लूजिंग पैंट कटिंग हो चुकी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारी आने वाली नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए।